दुर्ग जिला NSUI द्वारा दुर्ग के पटेल चौक में पूर्व मंत्री राजेश मूढ़त का पुतला जलाकर जमकर नारेबाजी की गई। NSUI के प्रदेश अध्यक्ष नीरज पांडे के निर्देशानुसार NSUI के पदाधिकारियों ने पटेल चौक में छत्तीसगढ़ शासन में पूर्व मंत्री रहे भाजपा नेता राजेश मूढ़त का पुतला दहन कर उनके खिलाफ प्रदर्शन करते हुए गिरफ्तारी की मांग की। गौरतलब है कि NSUI ने कहा कि भाजपा ने राहुल गांधी के कार्यक्रम में जिस गलत ढंग से प्रदर्शन किया, भाजपा के पूर्व वरिष्ठ नेता 15 साल मंत्री रहे राजेश मूढ़त ने अपना जिस तरह का आचरण दिखाया, पुलिस के साथ गाली गलौज, अभद्रता की व अस्वीकार है। भाजपा के पूर्व मंत्री द्वारा जो व्यवहार पुलिस व अन्य आम नागरिकों के साथ किया गया है, इससे साफ है कि भाजपा का असली चेहरा छत्तीसगढ़ की जनता के सामने जग जाहिर हुआ है। यही इनकी रीति नीति है जिसका NSUI कड़ा निंदा करता है। इसी कड़ी में NSUI जिला दुर्ग के नेतृत्व में भाजपा प्रवक्ता राजेश मूढ़त के खिलाफ FIR दर्ज कराने हेतु दुर्ग कोतवाली पुलिस निरीक्षक को ज्ञापन सौंपा। इस दौरान बड़ी संख्या में NSUI कार्यकर्ता उपस्थित होकर जमकर प्रदर्शन करते नजर आए। इस संबंध में मीडिया के समक्ष प्रदर्शनकारियों ने अपनी प्रतिक्रिया दी। ज्ञात हो, मीडिया के थ्रू हमें पता चला था कि राजेश मूढ़त जी द्वारा जो भाजपा के पूर्व मंत्री थे, छत्तीसगढ़ शासन में मंत्री रह चुके, उन्होंने पुलिस से गाली गलौज जो अभद्रपूर्ण व्यवहार किया, जिसके विरोध में आज NSUI के प्रदेश अध्यक्ष नीरज पांडे जी के निर्देशानुसार हर संभाग में आज राजेश मूढ़त जी का पुतला दहन किया गया। वह हर जिलों में, हर थानों में उनके खिलाफ अब NSUI FIR कराएगी एवं हम चाहते हैं कि राजेश मूढ़त जी मीडिया में आके पब्लिकली सारे पुलिसकर्मियों से माफ़ी मांगे। पुलिस प्रशासन का अपमान NSUI नहीं सहेगी एवं जब तक वो पुलिस प्रशासन से माफ़ी नहीं मांगते, छत्तीसगढ़ की जनता से माफ़ी नहीं मांगते, NSUI का आंदोलन चलता रहेगा। आज हमने दुर्ग कोतवाली में जाकर एक ज्ञापन सौंपा है जो राजेश मूढ़त जी के खिलाफ जो ज्ञापन FIR दर्ज कराने की बात कही है, जिससे सख्त से सख्त कार्रवाई हो, यह NSUI की मांग है। निंदनीय है, इसका NSUI परिवार कड़ी निंदा करती है। प्रशासन और मुख्यमंत्री जी से चाहती है कि जल्द से जल्द इस पर कार्रवाई की जाए और साथ ही साथ अभी कोतवाली दुर्ग में जाके हम सभी एक FIR भी दर्ज कराएंगे जिसकी कार्रवाई शीघ्र की जाए। यही रहने से न्यूज़ के लिए दुर्ग से नसीम फारूकी की रिपोर्ट।